स्टालिन आखिर करना क्या चाहते हैं? मंत्री स्टालिन कहते हैं स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन और सीएम स्टालिन देते हैं हिंदी में विज्ञापन। सीएम स्टालिन और उदयनिधि का दिखा दोहरापन। हैशटैग स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन या हिंदी थोपना बंद करो, ये हैशटैग हिंदी दिवस के मौके पर सोशल मीडिया एक्स पर खूब ट्रेंड कर रहा था। और करे भी क्यों ना भाई, जब पूरा देश हिंदी है हम वतन है के भाव में डूबा हुआ था, तब लिटिल स्टालिन पोस्ट करते हैं कि हिंदी थोपना बंद करो और कहते हैं कि सिर्फ 4-5 राज्यों में बोले जाने वाली ये भाषा देश को नहीं जोड़ती है। इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप शुरू होता उससे पहले ही जनता ने सच्चाई का आईना दिखा दिया। कुछ पोस्ट पर डीएमके पार्टी के साथ साथ बिग स्टालिन और लिटिल स्टालिन दोनों को लोगों ने लताड़ दिया। किसी ने कहा कि हिंदी में विज्ञापन देना डर या सुधरना क्या हो सकता है, तो किसी ने द्रविड़ मॉडल पर ही सवाल खड़े करते हुए पूछा कि सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने से रोक रहे हैं, क्या ये द्रविड़ मॉडल है? कुछ ही दिन पहले की बात है जब अपने सनातन पर दिए गए बयान पर उदयनिधि स्टालिन बुरे फंस गए थे, लेकिन अब एक बार फिर हिंदी भाषा पर सवाल उठाकर उन्होंने अपने लिए खाई खोद दी है। क्योंकि एक तरफ तो डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन के बेटे राज्य में हिंदी का विरोध करते हैं और सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने से रोकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी डीएमके सरकार राज्य में बाहर के राष्ट्रीय अखबारों में हिंदी में विज्ञापन देती है। हिंदी दिवस पर स्टालिन सरकार की ओर से देश के प्रमुख अखबारों में हिंदी में विज्ञापन दिए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब डीएमके को हिंदी भाषा से दिक्कत है तो फिर हिंदी में विज्ञापन क्यों? क्या इससे डीएमके का दोहरापन नहीं दिखाई पड़ता? दरअसल जब से ये 28 पार्टियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है तब से ऐसी घटनाएं आम हो गई है। खुद को राजनीति के पिच पर बनाए रखने के लिए ये राजनेता कभी जनता को बरगलाने का काम करते हैं तो कभी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन उनकी ये सियासी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है, जिससे ऐसे बयानों से ये खुद घिरते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब जनता इनके हाथ से बची कुची सत्ता भी छीन लेगी और अंत में रह जाएगा नीलबटा सन्नाटा। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों पेरिस की यात्रा पर गए राहुल गांधी को वहां भगवद गीता की याद आ जाती है। उपनिषद और हिंदू ग्रंथ को पढ़ने की बात करते हैं, इन ग्रंथों की विशेषता बताते हैं, और इधर भारत में उन्हीं के गठबंधन के नेता कभी हिंदू का विरोध करते हैं, कभी हिंदी का विरोध करते हैं, तो कभी सनातन धर्म का विरोध करते हैं। गठबंधन में शामिल इन नेताओं के बयानबाजियों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी बखूबी वाकिफ है। शायद यही वजह है कि वो भगवद गीता पर बात कर डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस दोहरेपन को आप किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।